हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ सत्तू की लिट्टी। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट सही है वो ये है। ये है आटा, गेहूं के आटा है ये, और ये है हमारा सत्तू। इसे मैंने ही पीस कर तैयार किया हुआ है। और इसमें चाहिए, इसके लिए ये ओनियन चाहिए जो कि मैंने चॉप करके रखा हुआ है। दो बड़े ओनियन है, और ये थोड़े से कोरिएंडर लीव्स है, और ये ग्रीन चिल्ली, चार ग्रीन चिल्ली है, इसको मैंने छोटे छोटे सेप में काट दिए। और ये पांच कली गार्लिक के हैं, और ये थोड़े से जिंजर है जिसको मैंने काट लिया है। अब इसके मसाले के लिए ये है ब्लैक सॉल्ट, ये व्हाइट सॉल्ट, ये थोड़ा सा ये अजवाइन है, और ये हाफ टी स्पून जीरा है, और थोड़ा सा ब्लैक पेपर, और ये चाट मसाला। चाट मसाला की जगह आप जलजीरा पाउडर भी डाल सकते हैं। और ये थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, और ये लेमन जूस। और इसको फ्राई करने के लिए ये रिफाइंड ऑयल है, ये मैंने ये लोहे की कढ़ाई का यूज कर रही हूँ। आप इसमें नॉन स्टिक की कढ़ाई में भी बना सकते हैं। आज मैं लिट्टी को आपको दो तरीके से बना करके दिखाऊंगी, एक फ्राई करके और दूसरा इस पर सेक करके। अब मैं सबसे पहले आटा लगाऊंगी। आटे का डोल लगाने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। और फिर मैं इसमें पानी डाल करके इसको अच्छे से डो लगा लूंगी। डो लग के तैयार हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा करके अब इसको मैं थोड़ा देर के लिए ढक कर रख दूंगी। अब मैं स्टफिंग के लिए मसाला तैयार करने जा रही हूँ। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़े से सत्तू। ये हमारा 8 स्पून सत्तू है। अब मैं इसमें सारे कटोरी सामग्री डालूंगी। अब मैं इसमें मसाले डालूंगी। ये लेमन जूस डालेंगे 1 स्पून के तकरीबन। इसमें 1 स्पून मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये थोड़ा सा मेरा मसाला भी ड्राई है, इसमें थोड़ा सा मैं और ऑयल को ऐड करती हूँ। इसमें आप चाहें तो पानी डाल सकते हैं, लेकिन पानी से उतना अच्छा नहीं होता है, इसमें पानी नहीं डाल रही हूँ। हमारा मसाला अच्छे से तैयार हो गया है। अब मैं आटे की लोई लगाऊंगी। देखिए मेरा आटा कितना सॉफ्ट लगा। अब मैं इसे छोटी छोटी लोई बनाऊंगी। पहले इसको पेड़े जैसे बना लेंगे, फिर इसको कटोरी बनाएंगे। अब इसको ऐसे स्टफिंग करेंगे। इसे सारी तैयार कर लेंगे। सारी लिट्टी बन के तैयार हो गए। अब मैं इसको फ्राई करूंगी। इसके लिए मैं पहले गैस ऑन करती हूँ, और इसको गर्म होने के लिए रख देती हूँ। और इधर मैं सेक करके भी दिखा देती हूँ। इसमें मैं बीच बीच में उलट उलट करके चेक करते रहेंगे
इसमें थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा ये, क्योंकि काफी लो मीडियम पे ही बनेगा। अब मैं पहले एक छोटी सी लोई डाल करके चेक करूंगी कि हमारा ओवन गर्म हुआ है कि नहीं। देखिए वो ये लोई हमारा ऊपर आ गया है, इसका मतलब कि हमारा ओवन अच्छे से गर्म हो गया। अब इसको हम मीडियम फ्लेम में कर देंगे और इसमें बारी बारी से लीटियां डालेंगे। ऐसे ऐसे इसको ऊपर से करते रहेंगे। देखिए हमने पलट लिया इसको, ये बनाना ज्यादा आसान है, वो थोड़ा सा मुश्किल है। इसको हम बीच बीच में चेक करते रहेंगे। इसको रख लेते हैं, थोड़ा सा देर में फिर हो जाएगा हमारा 80% ये लगभग तैयार हो गया। थोड़ा देर और हो जाएगा, देखिए थोड़ा थोड़ा ये फटा हुआ है, इसका मतलब ये है कि थोड़ा ज्यादा खस्ता हुआ है। खस्ता लिखी तो यही निशानी होती है। हम इसे अब थोड़ी देर में निकालेंगे। अब हम इसे निकालते हैं। देखिए हमारे ये सिक चुका है। अब हम इसे पहले घी में डुबोएंगे। ये घी में डुबोने से इसको इसको बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ये थोड़ा सा सोनापन आता है इसमें। ये हमारा एकदम बिहारी तरीका है, इसको गांव में कोयले पे भी बनाते हैं। हमारा ये भी पूरा फ्राई कर रेडी है, अब इसे हम सर्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।